बिल, आपका स्वागत है और मुझे खुशी हुई। वैसे इस बार हमारे मिलने में शायद बहुत बड़ा गैप हो गया। G20 की पहले हमारी काफ़ी बातें हुई थी और आपने देखा होगा कि G20 एक प्रकार से काफ़ी दाएं बाएं चल रहा था। अब पूरी तरह उसका जिस हेतु से G20 का जन्म हुआ उस पर हम एक मेन स्ट्रीम में ले पाए हैं और शायद आप भी अनुभव करते होंगे। Well, the G20 is way more inclusive, and so it was fantastic to see that India and hosting it really raised things like digital innovation and how this South-South collaboration can be far more than just the dialogue with the North. It can actually be a system that improves health. And you know, our foundation is so excited about the positive results that you've achieved here in India, that will be a partner in trying to take that into many other countries. आपकी बात सही है। जब मैं इंडोनेशिया में भी G20 में गया था तो दुनिया के सभी देशों की क्यूरियोसिटी ये थी कि आपने ये डिजिटल रिवॉल्यूशन कैसे लाया है। और तब मैं उनको समझाता था, एक तो मैंने इस टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, ये किसी की मोनोपोली नहीं रहेगी, ये जनता का होगा, जनता के द्वारा होगा और जनता में जो भी उभरती हुई टैलेंट इसमें वैल्यूएशन करेगी वो करती चलेगी, ताकि कॉमन मैन को भी टेक्नोलॉजी पर विश्वास पैदा होना चाहिए। जैसे 10 डॉक्टर होते हैं, सब MBBS होते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के पास ज्यादा लोग जाते हैं क्योंकि उसका भरोसा बन गया है। Digital government, India is not only adapting technology, but it's actually leading the way. What are some of the things you're excited about? Health, agriculture, and education. मैंने जो आरोग्य मंदिर बना है, 2 लाख आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर विलेजेज में, ये जो मेरे हेल्थ सेंटर है उनको मैं डायरेक्टली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बेस्ट हॉस्पिटल के साथ उनको जोड़ देता हूँ। पहले शुरू में उनको लगता था कि डॉक्टर तो है नहीं, मेरी मुझे देखे बिना कैसे बताता है, लेकिन बाद में उनको समझ आया कि टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ डॉक्टर भी उनको सही डायग्नोसिस कर रहा है, सही एडवाइस कर रहा है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जितना बड़ी हॉस्पिटल में होता है उतना ही छोटे आरोग्य मंदिर में हो रहा है। तो इस ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमाल है। और दूसरे पर एजुकेशन, मैं बच्चों को बेस्ट एजुकेशन पहुंचाना चाहता हूं। टीचर की जो कमियां है उसको मैं टेक्नोलॉजी से भरना चाहता हूं। दूसरा, बच्चे का इंटरेस्ट विजुअल में है, स्टोरी टेलिंग में है, तो उस प्रकार के कंटेंट बनाना, उस दिशा में मैं काम कर रहा हूं ताकि बच्चों को लगना चाहिए। और मैंने कुछ सर्वे किया, मैंने देखा बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है। मेरे यहाँ एग्रीकल्चर में भी मैं बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला रहा हूँ और मैं माइंडसेट बदलना चाहता हूँ। इन वन ऑफ द थीम्स आई थिंक इंडिया ब्रिंग्स अ टेक्नोलॉजी इज दैट इट शुड बी अवेलेबल फॉर एवरीवन, एक्चुअली लिफ्टिंग अप दोस इन हु नीड इट द मोस्ट। जब मैं दुनिया में डिजिटल डिवाइड की बात सुनता था, मैं कहता मेरे देश में मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा कि डिजिटल डिवाइड हो। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अपने आप में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आज मेरे यहाँ गांवों तक मैं ये डिजिटल फैसिलिटी पहुँचाना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप है। महिलाएं तुरंत नई चीज़ों को स्वीकार करती है, ये मेरा अनुभव है मेरे देश में। उनके अनुकूल कौन सी चीज़ें मैं टेक्नोलॉजी में ले जाऊँगा तो वो एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। मैंने एक कार्यक्रम लिया है नमो ड्रोन दीदी, उसके पीछे मेरे 2 लक्ष्य हैं। एक तो मैं भारत के गांवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहूँगा और वो भी एक गरीब परिवार से, तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं, बड़ी चीज़ें करनी है। दूसरा, गांव में महिलाएं मतलब यही काम करेगी, भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोहेगी, नहीं, मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। मैं साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ। गांव के सब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गांव को बदल रही है। एग्रीकल्चर को मैं
आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, ये जरूरत मैं देखता हूँ। और उसी लिए मैंने ड्रोन दीदी का, और बहुत सक्सेसफुल चल रहा, मैं इन ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है, वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। सोचने का तरीका बदल गया है। मैंने अफ्रीकन कंट्रीज के बहुत से लोगों से बात की, मैंने उनको कहा कि मैं इस बात में मदद करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये सबको समान अवसर देता है और डेमोक्रेटाइज ये उसका मेन पॉइंट है, उसको नहीं छोड़ सकते आप। अब आपने देखा होगा कोविड में दुनिया सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे थे, मेरे यहाँ मुझे वैक्सीन लेना है तो मैं कोविन ऐप पर जाकर के कितने डिस्टेंस पर मुझे मिलेगा, कौन सा टाइम स्लॉट मिलेगा, और मेरा सर्टिफिकेट भी मुझे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिल जाता था। एक को और कोविन मैंने ओपन सोर्स कर दिया था, कोई भी उसका उपयोग कर सकता है। तो ये मेरा अनुभव, उसका कारण डिजिटली बहुत लाभ हुआ है मेरे देश में, और हम शायद जो इंडस्ट्रियल रिवर्सन हुए फर्स्ट सेकंड, हम पीछे रह गए क्योंकि हम गुलाम थे, ये चौथा जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है जिसमें डिजिटल एलिमेंट सबसे बड़ा है, और भारत इसमें बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा ऐसा मेरा विश्वास है।